अर्चना जी, मुंबई में जगह की बड़ी कीमत है। आप देखो मुंबई जैसे शहर में पान वाला इतनी सी जगह पे बैठ के लाखों रुपए कमा लेता है, और मैं तो कैसी औरत को जानता हूँ जो इतनी सी जगह बैठ के करोड़ों कमा रही है मुंबई में। मतलब मैं भी एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो सोनी चैनल के लोगों के नीचे खड़ा होकर ना अरबों नोट पीट रहा है। मैंने भी सुना है उस लड़के के बारे में। अच्छा, वो लड़का बड़ा टैलेंटेड है। अच्छा अच्छा, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ ना, उसकी दुकान भी इसीलिए चल रही क्योंकि वो लड़का बड़ा अच्छा कर रहा है। गुस्ताखी माफ, ये भाई साहब मेरे को बोल रहे थे ऐसा बोलना, बड़ा मजा आएगा। जगह की इतनी मारामारी है। उडीपी रेस्टोरेंट में चले जाओ आप, जहाँ पे वेटर सुबह इडली डोसा सांबर का ऑर्डर दे रहा होता है, वहीं पे रात को बेचारा दो टेबल जोड़ के अपनी लुंगी बिछा के सो रहा होता है, और रात को उसके सपने में परी भी आ जाए ना, स्मेल उसको मेदू बड़े की आती है। अच्छा, बड़े शहरों में कोई गेस्ट आ जाए ना तो जाके होटल में कमरा बुक कर देता है, गेस्ट को कोई परेशानी ना हो। हमारे छोटे शहरों में अभी भी यही है कि गेस्ट आ गए, कोई बात नहीं, गुप्ता जी के यहाँ ठहरा देते हैं, है ना। और गुप्ता जी बेचारे वो भी मना नहीं कर पाते। गुप्ता जी को परेशानी तब होती जब ये मेहमान जो आया होता ना, उनकी नाराज बीवी को पटा लेता है। मैं एक बार अपना ये दिनेश ये अपने ससुराल गया, उन्होंने बड़ी इज्जत की इसकी। अच्छा। दारू वारू पिलाई, बाहर चारपाई डाली खुले आसमान के नीचे। हाँ। ये बारात को बाथरूम करने उठा। हाँ। उठा तो अपनी चारपाई से, बाथरूम करके लेट उनकी बुआ के साथ गया। ओह, कुछ लोग तो मुंबई में सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना ऐसे करके, तो रास्ते में होर्डिंग देखते हुए रुक जाते हैं। हाँ। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता ना, 2 BHK अब आपके बजट में, पढ़ के बंदा खुश हो जाता है। हाँ। फिर बगल में लिखा था ओनली ₹2 करोड़। हाँ, फिर जो वॉक करने आया होता ना वो फिर जॉगिंग करने निकल जाता। ये तो अपने बजट में ही नहीं है। रेडियो पे आप देखना प्रॉपर्टी के जो ऐड चलते हैं ना वो अलग ही होते हैं। वो दो लोग आपस में बात करते, क्या हुआ सुरेश तुम परेशान दिख रहे हो, अरे यार मुझे फ्लैट लेना है लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा, शायद तुमने जगतपुरा वाले मखीजा बिल्डर्स के नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सुना, नहीं नहीं क्या है उसमें, अरे क्या नहीं है, बच्चों का स्कूल प्लेग्राउंड हॉस्पिटल सब कुछ तो है, और पैसे भी आसान किस्तों में, ओहो तो मैं आज ही बुक करूंगा मेरे सपनों का घर। ऐसे से ऐड चलते हैं। फिर इनको मकान भी किस्तों में मिलता है, पहले छत मिलती है फिर दीवारें खड़ी करते हैं, फिर वो जब फाइनली चाबी देता है बोलता किचन बनवा लेना आप। कई बार तो प्रॉपर्टी के ऐड ना बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को साइन नहीं कर पाते, उनकी मिमिक्री करने वालों को ले आते हैं। हाँ। आप देखना धर्म जी शत्रु जी उनके कितने सारे लोग करते हैं। हाँ। वो कौन सा बेचारे देखते हैं कि रेडियो पे क्या चल रहा है। हाँ। आप देखना कई ऐड ऐसे चल रहे होंगे जो धर्म जी की आवाज में बोल रहे होंगे, शत्रु तुझे पता है वसई में ईंट भट्टी के पास नई बिल्डिंग आ रही है, मैंने तो बॉबी और सन्नी के लिए 2 ले भी लिए हैं, तेरा क्या विचार है। शत्रु जी की आवाज भी आती है, शाम प्रॉपर्टी वालों से कह देना कि छेनू भी आएगा। बीच में जीतू जी भी आ जाते हैं, अरे वाह शाम जी के फ्लैट्स तो हमेशा अच्छे होते हैं, विजय अर्चना मैं तो कहता हूँ एक एक तुम भी ले लो। फिर आते हैं धर्म जी, तो क्या सोच रहे हैं आप भी खरीद लीजिए वसई में सपनों का घर, अपनों का घर, अपने तो अपने होते हैं, श्याम जी मल दामोदर दास ये बिल्डर भी आपके हैं। आप बड़ी बिल्डिंग्स में जाओ, वॉचमैन भी बड़े यंग होते हैं। हाँ। एकदम अलर्ट रहते हैं, यस सर किससे मिलना है, नाम लिखवाएंगे साइन कराएंगे, फिर फोन करके पूछते भी कि फलाना मिलने आया। वहीं आप छोटी सोसाइटी में चले जाओ, पुरानी बिल्डिंगें जो बनी हुई 25-25 साल पुरानी। हाँ। बिल्डिंग भी इतनी पुरानी होती है और चौकीदार उससे भी पुराना। समझ में नहीं आता पहले बिल्डिंग गिरेगी कि ये गिरेगी। ये पांडे गया एक जगह। हाँ। बिल्डिंग देखने। हाँ। कहता है ऐसी जगह दिखाओ जहां हर तरफ से हवा आए। हाँ। हर तरफ से आसमान दिखे, हर तरफ से खुला हो। वो कहता तू जा, तेरे को फुटपाथ चाहिए, तेरे को फ्लैट चाहिए। ये वास्तु में बड़ा बिलीव करता ना। अच्छा। उसको इतना परेशान किया, मुझे यहाँ से वाइब्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा। वो कहता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहता 1 रूम किचन। वो कहता तुझे तो जहां जगह मिलती तू रह ले। हाँ। तेरा वास्तु क्या बिगाड़ देगा। मुंबई में आप कभी कभी फ्लैट देखने जाओ ना, सडनली आप दाईं तरफ वाला फ्लैट देखने गए ना, तो खड़े हो, ब्रोकर चाबी खोल रहा है, सडनली बाईं तरफ वाला खुल जाता है। एक अम्मा झांकती ना अंदर से, कौन आया रहने को, है ना। अरे अम्मा वो देखने आए हैं, कभी आए रहने को, अभी तो देखने आए हैं। Non-veg तो नहीं खाते? बंदे को गुस्सा चढ़ जाता है ना पड़ोसन की इतने सवाल पूछ रही है। Non-veg तो नहीं खाते? कहता खाता हूँ मेरे को भी देना। Join करते हो? कहता नहीं मैं करती हूँ। क्या कर लिया ना? एक ही बार तो छोटी बुढ़िया अंदर ही घुस जाती है। जो पहले वाला रहता था ना वॉश बेसिन निकाल के घाट में ले गया। केबल का पैसा नहीं दिया उसने, तुमको देना पड़ेगा। हाँ, और खिड़की अपने आप खुल जाती है, बेडरूम में सीधा हवा आती है, बंद करके रखने का। कहता अम्मा क्यों परेशान कर रही हो? अरे मेरा ही तो है, मैं तो दे रही हूँ किराए पे। अच्छा अर्चना जी, प्रॉपर्टी वॉपर्टी ये सब चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी। मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ी विरासत होती है वो होता है टैलेंट। और टैलेंट जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता है तो वो फिर एक लेगेसी बन जाता है, जैसे बॉलीवुड की कपूर फैमिली। और आज इसी फैमिली से दो नायाब सितारे हमारे बीच आ रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हम सबके फेवरेट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मिस्टर रणधीर कपूर एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड करिश्मा कपूर। जोरदार तालियां एक बार रणधीर सर और करिश्मा मैम के लिए। अच्छा, आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदी सिनेमा की ग्रेट कपूर फैमिली से दो जनरेशन हमारे यहाँ मौजूद है। अच्छा अर्चना जी, कितनी अच्छी बात है ना, इनकी फैमिली में सारे फेमस हैं ना। जैसे हम जैसे परिवारों में हम लोग वेट करते हैं कि किसी एक की सरकारी नौकरी लगे तो उसके नाम से जाने जाएं। ये परिवार ऐसा परिवार है जिनकी सारी जनरेशन को सारी दुनिया जानती। क्या बात है, क्या बात है सर। अच्छा मैं एक बात पूछने जाता था करिश्मा, सबसे पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। और रणधीर सर आप भी इतने प्यारे लग रहे हैं। हम कभी कभी लड़कियों को बोलते हैं ना डॉल जैसी लगती हैं। पहली बार मैंने कोई आदमी में देखा रणधीर सर इतने प्यारे हैं, कसम से ऐसा लग रहा है अभी अभी श्रीनगर से तोड़ के लाए आप, कश्मीरी सेब जैसे। अच्छा करिश्मा, जैसे हम लोगों के लिए राज कपूर साहब, ऋषि साहब, रणधीर साहब है ना, राजीव जी है, सबको शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, इनको देखने का सपना ही रहता था हमारा, कि नहीं अर्चना जी? लेकिन आप इनकी गोद में खेली हैं। और एक फोटो में मैंने देखा राज साहब घोड़ा बने हुए हैं और ये ऊपर बैठी हुई हैं। अच्छा आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं जिस आदमी के ऊपर बैठ के घुड़सवारी कर रही हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन है? एक्चुअली पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बोथ मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे और करीना को ये फील नहीं होने दिया कि वी कम फ्रॉम अ वेरी स्पेशल फैमिली। जो हमारा जो चाइल्डहुड था बहुत ही नॉर्मल था। यू नो, हम स्कूल बस में जाते थे, टिफिन खाते थे स्कूल में, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था जो मैंने इनको। वाओ, मैं भी स्कूल बस में जाता था मेरे बच्चों को। वाओ। तो एज वी वर ग्रोइंग अप पता चला यू नो कि ये स्टूडियो है, यहाँ यू नो दादाजी का शूटिंग होता है, पापा भी फेमस, मम्मी भी, चिंटू अंकल, नीतू आंटी। तो तब पता चलने लगा, बट एज चिल्ड्रन हमें ये फील नहीं हुआ कि यू नो शोमैन या यू नो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे लिए फैमिली इज फैमिली, तो जस्ट लाइक एनी फैमिली यू नो। रणधीर सर, हमारे जैसे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में खाली पिताजी आ जाए ना तो हम लोग टेंशन में आ जाते थे। लेकिन रणधीर सर की पहली फिल्म काल आज और कल में राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब, और ये जो काम करने जा रहे हैं उस काम के वो महारथी। तो सर कितनी घबराहट थी आपके उस समय कि मुझे डायरेक्ट करना यार इन दो लेजेंड्स को? बहुत बहुत घबराहट थी। जब मेरे पिताजी ने मुझे बोला मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, तो मैंने एक कहानी सुनी है जो मुझे पसंद है और तुम बनाओ। अच्छा। और मैं चाहता हूँ ये फिल्म तुम डायरेक्ट करो। अच्छा। और एक्ट भी करो। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया कि इस फिल्म की मैं कास्टिंग कैसे करूँगा। जब मैंने कहानी सुनी तो मैंने बोला इस पिक्चर में तो पृथ्वीराज कपूर भी चाहिए और राज कपूर भी चाहिए और मैं खुद भी काम करना चाहता था। जी। तो मैंने बोला ये तीनों चीज़ मैं कैसे करूँगा पापा? इसे क्यों, जब करना चाहता हो तो करो। मैंने तुम्हें समुद्र में के पानी में फेंक दिया। अगर तैर सकोगे तो तुम तैर जाओगे और अगर नहीं तैरोगे तो तुम कभी एक्टर और डायरेक्टर बन ही नहीं सकते थे, तो डूब जाओगे। क्या बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था, पहला सेट जो काल आज और कल का मैंने शूट किया था वो एक मंदिर का सेट था। अच्छा जी। जहाँ दादाजी और मेरे पिताजी और मैं तीन जन बैठ के घंटी बजा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने शॉर्ट वॉट सब लगा लिया और बुलाया सबको। तो पहले मेरे पिताजी आए। हाँ लगा लिया डब्बू? हाँ जान तैयार है। क्या शॉट है? बोलो जी आप यहाँ से चल के आते हैं और यहाँ आके बैठ जाते हैं, करके बताओ। अच्छा। तो मैं वहाँ से चल के आके वहाँ बैठा। मैं खड़े ही रहूँ या क्या? नहीं आप बैठ जाते हैं, बैठ के बताओ। अच्छा टांग खींच रहे थे आपकी? मैंने भी बोला कि आप मेरी टांग खींच रहे हैं। बोले नहीं ये तुम्हें सिखा रहा हूँ। अच्छा। जब हम नहीं होंगे और कोई दूसरा होगा, वाह, तो वो बोलेगा कि अनाड़ी डायरेक्टर है। वाह क्या बात है। 10 मिनट बाद दादाजी आए, सेम टू सेम डायलॉग। अच्छा। तो आप यहाँ से आते हैं, यहाँ आके मेरे बाजू में बैठ जाते हैं और मंजीरी बजाते हैं। अच्छा कहाँ से आते हैं? तो यहाँ से आते हैं, करके दिखाओ। सेम डायलॉग। खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं? जैसे बैठ जाते हैं। अच्छा करके दिखाओ। अब हर चीज मैं राज कपूर को और पृथ्वीराज कपूर को करके दिखा। मैं 15 मिनट का एक्टर नहीं हूँ। ये 150 साल के एक्टर हैं और मैं इनको करके दिखाऊं। उन्होंने बोला नहीं ये हमारी ट्रेनिंग है, ये शिक्षा है तुम्हारे लिए। पर फिर आपकी बात सुनते थे क्योंकि आप डायरेक्टर हैं, कि बीच में अपना भी कुछ बोलते थे? सबसे अच्छे डिसिप्लिन्ड एक्टर्स पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। वाह। उन्होंने सिखाया कि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, नॉट द एक्टर। वाकई क्या बात है। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। वाह। तो करिश्मा जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, अब घर में सारे सुपरस्टार्स, तब आपके मनोदशा क्या थी? आप नर्वस थी? वेल डेफिनेटली मैं नर्वस थी। अच्छा। लेजेंडरी फैमिली, लेजेंड्स, तो मुझे बहुत डर था, लेकिन मेरे अंदर में वो डिज़ायर थी। मुझे याद है कि आई थिंक फर्स्ट टाइम आई मस्ट हैव बीन 8-10 years old और मैं शूटिंग पे जाती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था देखने के लिए। इट वाज प्रेम रोग शूटिंग और ट्रॉली शॉट था और दादाजी ले रहे थे और इट वाज लाइक अ हाउ डू यू से जनून, इट वाज लाइक एन एम्बिशन कि अगर मैं भी थोड़ा सा इस फैमिली में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो आई विल बी ग्रेटफुल। And I just want to thank the audience कि उन्होंने मुझे भी ये प्यार दिया है। अरे इतना बहुत प्यार दिया। अच्छा रणधीर सर, जो कल आज और कल में गाना था, बबीता जी आपसे पूछती हैं कि आप यहाँ आए किस लिए? My favorite song। गाने के लास्ट में फाइनली रणधीर सर बोलते हैं कि शादी का इरादा है। हाँ। तो ये स्टोरी की डिमांड थी कि आपके अंदर से निकली थी ये डिमांड? मेरी डिमांड पहले बनी हुई थी, इसलिए मैंने। अच्छा। हाँ। अच्छा तो उस समय राज साहब को सबको पता था फैमिली में? जी हाँ, बिकॉज पता तो उन्हें भी था और मैं टाइम पास किए जा रहा था। अच्छा। तो शादी वादी करने का इरादा है क्या? नहीं तो हाँ करूँगा, जब वो क्या बूढ़ी हो जाएगी शादी करेगा उससे। तो मुझे प्रपोज नहीं करने पड़ा, मेरे माँ बाप ने प्रपोज कर दिया था उसको। वाह। So cute। अच्छा उस गाने में बबीता जी सारे वचन भी लेती है ना कि सिनेमा दिखाओगे, बच्चे खिलाओगे, तो जब कभी आप फिर काम में मसरूफ हो जाते थे फिर आपको गाना सुना के याद दिलाती थी वो कि ये सब आपने बोला था? बोला तो था मैंने, वो हो जाता है वो जिन्होंने गाने लिख दिए बना दिए। जब बन गया भगवान की दया से, मेरा काम वगैरह सब चल पड़ा था, मैं बहुत बिजी हो गया था। अच्छा। तो वो खाना पकाना और बच्चों को संभालना वो सब उसी ने किया, बबीता ने। ये सब बबीता ने का सब देन है। रणधीर सर जब कभी राज साहब शूट कर रहे होते थे, कोई रोमांटिक सीन चल रहा होता उनका, अगर आप चले गए तो आपके सामने कर लेते थे कि आपको 5 रुपए देके बोलते थे बेटा चॉकलेट खा के आओ? वो रियल रोमांटिक सीन थोड़ी होता है। अच्छा। वो तो एक्टिंग है। हाँ नहीं, ऐसे मैंने 1,500 रोमांटिक सीन किए हैं। अच्छा। कईयों के साथ मैं रियली करना चाहता था और कईयों के साथ कभी नहीं करना चाहता था, तो फिर भी करना पड़ा। ओह अच्छा रणधीर सर, ऐसा भी होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मिठाई की दुकान है, वो अपने बच्चे को सीधा गल्ले पे बिठाते हैं, उनको ये टेंशन नहीं होती कि पहले दूसरी दुकान से जाके जलेबी बनानी सीखे, जबकि दुकान आपकी वैसे ही नंबर 1 चल रही है। तो जब आप आए डायरेक्ट करने तो पहले राज साहब ने भेजा कि कहीं और से पहले जाके काम करो, एक्सपीरियंस लो। जब मैं डायरेक्टर बनना चाहता था जी, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि देखो डायरेक्शन भी एक कला है जी, उन्होंने बोला तुम डायरेक्शन सीखो। अच्छा जी। और मालिक का बेटा अपने यहाँ काम नहीं कर सकता है। ट्रू। तो मुझे लेख टंडन जी के साथ काम करने भेजा। अच्छा जी। मैं लेख टंडन जी का असिस्टेंट था, 5 पिक्चरें की है मैंने। वाह। और राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना। हमने सुना है कि आप बस में जाते थे। ये वैल्यू सिस्टम है, राज कपूर जी ने हमको सिखाया, दादाजी ने पापा को सिखाया था कि पैसों की कदर होनी चाहिए, और कदर तब होगी, क्या बात, जब बस की लाइन में तुम खड़े होगे, पता चलेगा कि रियल लाइफ है क्या। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए कि हाँ काम करो, अपनी खुद की गाड़ी लो फिर जाओ, ऐसा। खुद की गाड़ी लो और जाओ। फिर आपने कब ली अपनी गाड़ी? गाड़ी तो पहले राज कपूर जी की गाड़ी चलाई छुट्टियों में। अच्छा। पर जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे तो मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। अच्छा जी। तो एक भिखमंगा आया तो हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है, तुम्हारे पास ऐसी गाड़ी है। इसने तो मुझे गाली दे दी। तो मैं घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं? क्यों? अच्छा हमको गाड़ी लेनी है। तो बबीता से थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से। अच्छा। और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी खरीदी। अच्छा जी। और लेके मैं मेरे पिताजी के पास गया। अच्छा जी। तो बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया और कमाओ और गाड़ियाँ लो। बोलो पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर हैं, एक तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेंगे राज कपूर बस में बैठा हुआ है। ये तुम्हें जरूरत है कि वो गाड़ी को देखेंगे और तुम्हें भी देखेंगे कि उस गाड़ी में रणधीर कपूर जा रहा है। वाह। मैं आपको एक अच्छा किस्सा बताता हूँ जी। एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे। अच्छा जी। वहाँ रविंद्र जैन जी म्यूजिक डायरेक्टर जी वो गाना गा रहे थे और उन्होंने गाना गाया कि एक राधा एक मीरा दोनों ने प्यार की, जो अल्टीमेटली राम तेरी गंगा मेले में था। जी। तो सुना वाह 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 वाह, राज कपूर वाह वाह करे तो 150 लोग और साथ में चालू हो जाते हैं। फिर राज कपूर जी अपने मूड में कि दादू एक बार मुझे और वो गाना सुना दो। अच्छा। तो उन्होंने फिर गाना गा दिया, फिर तालियां। तो बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले जी मेरा प्राइवेट गाना है। अच्छा जी। बोले ये गाना मेरा हो गया। तो वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रही है मुझे दे दो। वो स्टेज से उठ के आ गए, उनकी गोद में बैठ गए। वाह 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 वाह, चलो जाओ उधर अपना और संगीत बजाओ, यहाँ आके क्या कर रहे हो, जाओ। अगले दिन मुझे बोले ऐसा करो डब्बू, शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ, घर में बोल देना कि 8-10 लोग होंगे और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो सिर्फ शहर में मिल सकते हैं, नियर माई हाउस। अच्छा। ठीक है। क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, एक सितार आई है, कुछ सारंगी आई है। अच्छा जी। अच्छा रहने दे यार, पापा आ रहे हैं ना, आने दो। वो आए, साथ में रविंद्र जैन भी आ रहे थे। अच्छा। आई रिमेम्बर, मुझे ये दिन याद है। तो मैंने बोला चादर लगाओ, इधर तकिए वकिए लगाओ, एंड सब बैठे, शराब खानी वगैरह सब चल रही थी। अच्छा जी। और दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया, मैंने बोला यार 50 बार तो मैं सुन चुका हूँ, 51 बार मुझे फिर से सुनना पड़ रहा है। तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है? अच्छा, यहाँ है, जो एक 25,000 का चेक बना के लिया रविंद्र जैन के नाम पे। वाह। तो मैं कमरे में गया, देना तो पड़ेगा, मेरा बाप है, और मेरे 25,000 वेस्ट हो गए, तो पिक्चर तो बनाएगा नहीं है। लाया, मैंने उनके पास रख दी कि जी ये 25,000, मेरा गाना बजा दीजिए फिर से। तो मेरा गाना फिर चला और उन्होंने बोला डब्बू उठ के रविंद्र जैन जी को दे देना। हमने दादू पेश है जी, राज कपूर जी की ओर से। रोने रो पड़े कि मेरे को राज कपूर सचमुच पिक्चर में ले रहे। अच्छा। तो देना ले लिया और वो उसने बोला मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि उसको भी दिखाऊंगा कि मैंने ये आज साइन किए। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस गया तो बोले साहब कहाँ हैं? बोले वो तो पुणे चले गए। अच्छा। मैंने पुणे क्या करने गए मालूम नहीं जी। रविंद्र जैन जी हैं, 4-5 म्यूजिशियन हैं, ये लोग सब लोग हमारे पास फार्म है। अच्छा। वहाँ चले गए हैं। 4 दिन के बाद आए, बहुत खुश था। यू विल बी वेरी हैप्पी विद मी एंड यू विल बी प्राउड ऑफ मी। मैं जी सारा म्यूजिक राम तेरी गंगा वैली का मैं तैयार करके आया हूँ। क्या बात है। एंड दैट म्यूजिक वाज मेड इन 4 days। वाओ। एंड एवरी सॉन्ग वन बेटर देन द अदर। क्या बात। वाह। सिद्ध जी मैंने पूछा कहानी ये कौन सी है? हाँ। अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ फिर से। He made the story on the music of the picture। क्या बात है यार, वाह। एक राधा एक मीरा के ऊपर सारी पिक्चर बनाएगी कि एक लड़की पहाड़ों में मिली, वो कैसे नीचे जैसे गंगा नीचे आती है, कितनी प्योर होती है, साफ होती है, नीचे आते आते गंदी होती जाती है। Oh my God। ये बोला हम जो इंसान हैं जब बच्चे होते हैं कितने पवित्र होते हैं, और जैसे हम लोगों के साथ मिलजुलने लगते हैं हम भी इनकी तरह हो जाते हैं, सबकी तरह। आइडिया वॉज दैट he wrote himself in 4 days time। Raj Kapoor was one man circus। Absolutely। Like Lata Mangeshkar will never come again, there will never be a Raj Kapoor। क्या बात है। ये नहीं कि मेरे पिताजी हैं। No doubt sir। As a film lover I miss it। बहुत याद आती है कि वो दिन कब आएंगे ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाने वाले। क्या बात है, राज साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। सर आपको पता मेरा नाम जोकर कभी भी आती है ना, मैं हमेशा देखता हूँ। एक वाहिद ऐसी एक पिक्चर है जो मुझे इतनी पसंद है, और मैं सोचता हूँ कि यार उस दौर में इतना बड़ा क्रू, इतनी बड़ी स्टार कास्ट कैसे बनाई होगी इन्होंने वो पिक्चर। बहुत प्यार से और लगन से बनाई थी फिल्म। बहुत ही प्यारी फिल्म है सर। इट्स माय फेवरेट पिक्चर। फेवरेट मेरी भी सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा नाम जोकर वॉज डेफिनेटली राज कपूर फेवरेट पिक्चर। एक्चुअली जब पिक्चर नहीं चली he was very disappointed। ठीक है, अपना हर पिक्चर की भी अपनी अपनी किस्मत होती है जी, जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी किस्मत होती है। बट जो बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है वो माँ बाप के फेवरेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं आपको बोल के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है ये बोल के, और सुनने वालों को भी बहुत खुशी होगी कि टुडे मेरा नाम जोकर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट पॉइंट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। जो तब नहीं चली थी जब लोगों को समझ नहीं आई, आज बहुत समझ आती है और बहुत अच्छी लगती है उनको। एक्चुअली राज कपूर जी जहाँ कहाँ भी होंगे, शायद आप सब में बैठे होंगे, कहीं सुन रहे होंगे, पापा आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा नाम जोकर इज अ बिग हिट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड थैंक यू वेरी मच। ये सब कपड़े जो पहने हुए हैं ये मेरा नाम जोकर के प्रॉफिट से आए हैं। कृष्णा एक आपसे सवाल था, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ हम लोग कभी ना घर वालों को कोई डिमांड कर देना कि मोटरसाइकिल चाहिए तो वो अपनी स्ट्रगल के किस्से सुनाने शुरू कर देते हैं कि हम तो तैर के जाते थे। अब मैं कहा आप जाते थे तैर के, अब वहाँ ब्रिज बन गया, हम कहाँ तैरें। लेकिन कभी आपने बचपन में कोई डिमांड की तो आपको ऐसे किस्से सुनाते थे पेरेंट्स? आई थिंक वी वर वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड कैन आई से आई डोंट थिंक वी वर डिमांडिंग एवर। नो, यू वर नाइस। Yeah. And Kareena करती थी sir? मेरे खानदान में ये गया है। अच्छा। सीधी सादी जहाँ बोल दो खड़े हो जाओ खड़े हो गई ये कर दो वो थोड़ी चंट थी। अच्छा। ये तो रोड क्रॉस नहीं कर सकती अकेले। वो छोटी सी करीना आगे इसका हाथ पकड़ के। That's not true, but yeah. I mean, I was more, I think, timid. लेकिन timid person के लिए फिर acting में जाना मतलब that is a big leap. तो it was actually quite unusual. मैं बहुत shy थी, बहुत timid, बहुत quiet. पीछे से मतलब mirror में, bathroom में expression श्री जी का, माधुरी जी का वो सब मैं करती थी. अच्छा. But generally I was very timid. और बहुत भोली, yeah, the good child. अच्छा रणधीर सर की फिल्में आप सबको मालूम है जैसे कच्चा चोर हाथ की सफाई ढोंगी लफंगे चोर के घर चोर सर आपको देख के तो ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कभी किसी के पैसे नहीं मारे होंगे इतने प्यारे हैं आप ये टाइटल सारे ऐसे क्यों ढोंगी चोर के घर चोर ये क्या just the opposite मुझे खुद नहीं मालूम है मैं अंग्रेज पुत्र जी आधा इधर अमेरिका इधर आधा टाइम इंग्लैंड में इधर पढ़ा उधर पढ़ा मैंने को 15 फिल्में धोती कुर्ता पहन के की हैं ये मेरे को समझ नहीं है कि मुझे धोती कुर्ता वाला कैसे समझते थे वो हिंदुस्तान में जनता वैसी है ना ज़्यादा मैंने शुरू में रामपुर का लक्ष्मण में चालू किया था काम जी जी वो बहुत चल गई तो धोती चल गई तो मैं चल गया कहाँ जाओ तुम सिर्फ मेरी हो तुम किसी और की नहीं हो सकती और अगर हमारे प्यार के बीच कोई आया तो उसे मैं चुन-चुन के मारूंगा चुन-चुन के मारूंगा चुन-चुन के मारूंगा calm down रणधीर जी मैं आपका बहुत बड़ा कपूर हूँ sorry sorry कपूर जी मैं बहुत बड़ा रणधीर हूँ आपका ये यार मैं क्या बोल रहा हूँ अचानक मेरी आंखों के सामने एक्चुअली दो कपूर आ गए हैं ना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ सर ये नकली सन्नी है हाँ लेकिन इस बात का मैंने कभी घमंड नहीं किया ऐसी हो काजल ठीक हो यकीन नहीं करोगी काजल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ ये अलार्म क्लॉक क्यों दे रहे हो क्योंकि ये हमेशा कहती रहती है सोना कितना सोना है अलार्म लगा लीजिए आपको पता चल जाएगा कितना सोना है कितना जागना है कितना सोना है कितना जागना है makes life easy oh फिर रिक्शा फंस गया फिर फंस गया हमेशा फंसा था बस बस नमस्कार रणधीर साहब नमस्कार करिश्मा जी I have an announcement to make 1 minute सुनो 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 मेरा बेटा कहीं खो गया है गेहूँ और रंग 2.5 किलो के हाथ गर्दन लेस बच्चा अगर चीखता चिल्लाता ओए ओए करता कहीं नजर आए तो इस नंबर पे संपर्क करें अच्छा ओए बाबा क्या कर रहे हैं आप मैं ये रहा आपका बेटा अरे तू तो खो गया था ना आप बाबा लेकिन आप मिल गया ना अरे ऐसे कैसे मिल गया ये देख मैं कितना ताम झाम लेके घूम रहा हूँ जा जाके खो मैं तेरे को ढूंढूंगा ऐसे कैसे मिल गया बाबा मैं खोया था अब मैं मिल गया हूँ मैं ये रहा क्या मेरा बेटा मुझे मिल गया पापा मेरा बेटा मुझे मिल गया मेरे पापा मुझे मिल गए मेरा बेटा मुझे मिल गया I am really happy very पापा really happy बेटे हेलो अंकल ये पिता पुत्र का मिलन हो गया हो तो काम की बात कर ले हाँ मेरे पैसे निकालो हाँ क्यों नहीं अरे मेरी जेब से नहीं अपनी जेब से निकालो तेरे पैसे मैं अपनी जेब से कैसे निकाल सकता हूँ मैं कोई जादूगर हूँ क्या बात है Who is he? अरे मैंने आपको छोड़ा है, उसके पैसे निकालो। जरा छोड़ दो चाहे। मेरे पापा को छोड़ेगा तू? तू मेरे पापा को छोड़ेगा? मेरे पापा को छोड़ा तूने? छोड़िए मुझे। छोड़ा तुझे? छोड़िए मुझे। ये ले, अब मैंने तुझे छोड़ दिया, अब तू पैसे निकाल। मेरे पापा को छोड़ने के पैसे मांग रहा था, मैंने अब तुझे छोड़ा है, पैसे निकाल। नहीं चाहिए। नहीं निकाल पैसे। अरे नहीं चाहिए पैसे। निकाल। ये क्या बचपना है? मैं भी खेलूंगा। मैं भी खेलूंगा। पैसे निकाल। अरे नहीं चाहिए। मैं भी खेलूंगा। अरे नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए भाई। Very good बेटे, very good. Thank you बाबा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एक दिन पूरी दुनिया हम फ्री में घूमेंगे। नमस्कार, प्रणाम। सॉरी, इस हौच पौच में हम आपको नमस्ते कर ही नहीं पाए। नमस्कार रणधीर साहब, नमस्कार करिश्मा जी। कितना बढ़िया सीन है, एक तरफ फादर और डॉटर बैठे हैं और एक तरफ फादर और सन खड़े हैं। तो इसमें क्या हो गया पापा? आज तू डॉटर होता ना तो हम भी यहाँ बैठे होते, समझा? रणधीर साहब, पहली बार आज आप हमारे घर पे आए हैं। मैं चाय लूंगा। पापा जो सोफे पे बैठे होते हैं वो बताते हैं कि वो चाय लेंगे या नहीं। अच्छा ओ। मैं चाय लूंगा। पापा चाय लेंगे या नहीं ये वो बताएंगे। वो क्यों बताएंगे, मेरी मर्जी, मैं चाय लूं या कुछ भी लूं। अरे पापा आप उनसे पूछिए चाय लेंगे या नहीं। अच्छा ऐसे, हाँ पहले बोलना चाहिए था, बेइज्जती करवाता है। सर ये बताइए मैं चाय लूं या क्या लूं? पापा ये आपसे नहीं होगा। रणधीर जी, करिश्मा जी बताइए आप लोग चाय लेंगे या कॉफी? क्या पूछ रहा है उनसे, चाय कॉफी? शायद रणधीर जी का उसका मन हो। पापा क्या कर रहे हैं आप सबके सामने ऐसे अचानक पीने पिलाने की क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे बेटा यहाँ पे 60s का हीरो बैठा है, 90s की हीरोइन बैठी है। जब माहौल ही 60 और 90 का है तो पीने का मन क्यों नहीं करेगा? मैं और रणधीर साहब वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। बहुत वक्त पुरानी बात है, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था। रणधीर साहब ये अर्चना स्ट्रगल किया करती थी, तभी इसी के ऑटो में बैठ के मैं अपने घर जाया करता था। और आज देख लो, इसकी वजह से आज एक नेता स्ट्रगल कर रहा है। वाह वाह आपने बाबा। करिश्मा जी नमस्कार, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। कल ही मैं आपकी राजा बाबू देख रहा था। इन्होंने तो राजा बाबू देखी, लेकिन जो राजा बाबू हैं वो आजकल इन्हें नहीं देखते। मैं ना तुझे देख लूंगा। आप मुझे ही देखिए पापा, फिर भी राजा बाबू आपको नहीं देखेंगे। इनके बाबा। एनीवेज रणधीर जी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैंने आपकी वो फिल्म देखी कल आज और कल। क्या कंफ्यूज कर रहा है उनको? कल आज, सीधा बता कल देखी कि आज देखी, ये क्या है? बाबा फिल्म तो मैंने परसों देखी। हाँ तो फिर ये कल और आज कल ये सब क्या कर रहा है? बाबा ये फिल्म का नाम है कल आज और कल। तो फिर परसों क्यों देखी? क्योंकि परसों मैं फ्री था। अच्छा जब परसों मैंने तुझे कोई दूसरा काम दिया था, तू बैठ के फिल्में देख रहा था। बाबा आपने मुझे यही काम दिया था कि मेहमान आने वाले हैं उनकी फिल्म देख। फिल्म देख ली? हाँ देख ली। अब वो देख तोता कहाँ है? ये ऐसे ही कहता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा आप। बाबा हाँ। तोता वहाँ नहीं है, तोता वहाँ है। वहाँ ये ऐसे ही कहते रहते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अपने बाप को तोता दिखाता है। शर्म नहीं आती तुझे, बदतमीज। मैंने और मेरे बाबा ने मुझे आपके लिए ऑक्टोपस तैयार किया है। ऑक्टोपस? मुझे शर्म आती है। आइए ना, हमने अब आपको ऑक्टोपस बनके दिखाएंगे। और होता मैं नहीं करता, लेकिन आपके लिए करूँगा मैं ऑक्टोपस भी बनता हूँ, देखिए। एक्शन। कैसा लगा? भाई ये क्या कर रहे हो? ऑक्टोपस के तो 8 पैर होते थे, 4 ही थे। मुझे पता था ये बीच में टोकेगा। हैं, मैं उसकी भी तैयारी करके आया हूँ। आया बैठ इधर। हम कर लेंगे। ये देख, उसका भी तैयारी की, 8 पैर वाला देख। देखा? हाँ। कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मेहनत लगती है इनमें। पापा, वो वाली बात बोलिए ना। वो वाली बात बोलिए। अरे कोई बात नहीं, तू बोल दे। अरे पापा, पापा बोलिए ना। अरे तू बोल दे। पापा बोलिए, मुझे शर्म आती है। अरे बोल दे, क्या शर्माना, अपने बंदे हैं, बोल दे। ठीक है, मैं बोलता हूँ। अच्छा मैं बोल देता हूँ। मैं बोल देता हूँ। मैं बोल दूंगा पापा। अरे बोल दूंगा। अरे आपने कहा ना, मेरा बाप हूँ, इतना नहीं बोल सकता। ठीक है पापा, आप बोल दीजिए। अच्छा तू बोल दे। क्या कर रहे हो? तू बोल दे, मैं बोल दूं तू। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। मैं बोल गया। करिश्मा जी, मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। पापा, ओके। ये मैंने अपने लिए पूछने के लिए कहा था। हाँ तो अपने लिए ही पूछा है मैंने। पापा मेरे अपने के लिए। हाँ तो मैं तेरा अपना नहीं हूँ। अपने तो अपने हो। नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था पापा। हाँ, मेरे अपने तो अपने होते हैं पापा। ठीक है, फिर मैं डांस कर लेता हूँ। भाई करिश्मा जी, मैं आपके साथ डांस करना है मुझे। आइए। बहुत ही अच्छा लगा रणधीर साहब। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है! मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ आपसे, मतलब आप बताइए, 1 पे चलूँ 2 पे चलूँ 3 पे चलूँ, मैं कहीं भी चल सकता हूँ। चलिए, हम निकलते हैं। टाइम लेके जाइए। ओ पापा, आपके लिए थैंक यू भाई। थैंक यू। आइए पापा। पापा, रणधीर सर, थोड़े दिन पहले ना हमारे शो पे नीतू जी और रिधिमा आए थे, तो वो कपूर फैमिली के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज। नीतू मैम, आपके दोनों बच्चों में से, रिधिमा और रणबीर में से, हाँ जी, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा आप पे गया और कौन ज्यादा ऋषि सर पे गया? ये तो पूरी ऋषि जी का रूप है। वो मैंने देख लिया। मतलब पूरा इस तरीके से जवाब आ रहे हैं उनके। फुल रूप है, मतलब कि यू नो लाइक कपूर्स का ना एक फेक एरोगेंस है, कपूर एरोगेंस है। रुबाब मारते हैं, है ना? मतलब कि अंदर से लल्लू है, ऊपर से रुबाब। सो वो भी मैं रिधिमा को बोलती हूँ, ऐसे रिधिमा यू है, रणबीर में नहीं है। रिधिमा में वो कपूर एरोगेंस है, अंदर से लल्लू है, कुछ भी नहीं है। She means soft है अंदर। लल्लू अच्छे, लल्लू soft same चीज़ बच्चों के लिए। करिश्मा, आप एग्री करती हैं इस बात से? Honestly, I think कपूर्स मतलब ऊपर से strong, अंदर से बहुत sensitive, बहुत sensitive। और एक चीज मैं कहना चाहूँगी मेरे पूरे परिवार में, like you know, they are so honest and so like you know sensitive. आपने कभी ऐसे बात सुना है कि हमारे फैमिली को झगड़ा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है? कभी नहीं। Everybody is bonded. Touchwood, you know, touchwood, 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 touchwood. You know, सब busy है अपने life में, काम में, travel में, family में. लेकिन if there is ever a situation, everybody is together. So sweet. करिश्मा, आप कपूर फैमिली की बेटी हैं और सबसे लाडली भी हैं, तो आप सबको नज़दीक से, करीब से जानती हैं, अच्छे से जानती हैं। तो कुछ सवाल हैं फैंस के कि कपूर फैमिली के बारे में, कि सबसे कंजूस कपूर कौन सा है? रणधीर सर कंजूस कपूर है? मतलब वो बहुत पर्टिकुलर है। हाँ, खुद ही बोल रहे हैं, देखिए। Value for money you must know. Yes. Value for money, हाँ। वो that is not कंजूस। But किस मामले में कंजूस? बता दूँ? पापा को बता दो। नो जब जैसे हम छुट्टी में जा रहे हैं लंदन में, यू नो सब एक्साइटेड हो जाते हैं, करेक्ट, हम शॉपिंग में जा रहे, पैकेट्स होते हैं, पापा यू वेंट शॉपिंग? हाँ हाँ मैं गया, फिर मैं खाना खाने गया, यहाँ गया। आई सेड वेयर इज द शॉपिंग? दो जोड़ी सॉक्स। आई सेड व्हाट इज दिस? अच्छा और खरीदूं? आई सेड या प्लीज गो अगेन, उनको अकेले जाना है अपने में मस्त में। आई सेड ओके नेक्स्ट डे। व्हाट डिड यू गेट? दो जोड़ी सॉक्स, दो हैंकी। ये क्या शॉपिंग हो गया? वो कभी अपने आप पे ऐसे खर्च नहीं करते। सबके एल्स एक मर्द को और क्या चाहिए यार? फिर मोजे ले लिए, रुमाल ले लिए, टाई ले ली, दो चार शर्ट, एक आध दो पैंट, मतलब कुछ भी नहीं। सबसे गुस्से वाला कपूर? ऋषि कपूर। He had that, you know, aggressive personality, definitely. सबसे ज्यादा फूडी कपूर? हमारे साइज से नहीं देख सकते हैं आप जितने कपूर हैं, सब हरे भरे हैं। अच्छा सबसे ज्यादा सोने वाला कपूर? कि आज छुट्टी है तो होता ना कि 8 घंटे से भी ऊपर सो जाते हैं कहीं। आई थिंक इट वॉज चिंपू अंकल, करेक्ट पापा? वो बहुत सोते थे, रिलैक्स। यस। सबसे ज्यादा नॉटी कपूर? आई वुड से करीना कपूर। अच्छा। यस आई हैव टू से दैट। मुझे पता नहीं क्यों लगता था सबसे ज्यादा नॉटी शम्मी सर होंगे। हाँ। या फिर पता नहीं उनकी फिल्मों का असर है, हमेशा शरारतें करते रहना। शम्मी सर को जब probably वो मम्मी बता पाएंगे या पापा, but I think for my generation I would say बेबो। रणबीर भी ना? रणबीर and बेबो same, peas in a pod। दोनों ज्यादा बाहर नहीं जाते, ज्यादा सोशलाइज नहीं करते, खबर तो एक से एक। अच्छा बड़ों का आज्ञाकारी कपूर? अब वो अपना नाम ले रही हैं, वो रणधीर सर अपना नाम ले रहे हैं। पापा you're saying me, me and everything। मतलब पापा के जनरेशन में पापा और इसमें करेक्ट। वाव, दोनों अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमेशा बलि का बकरा बनने वाला कपूर? कि सारी बात उस पर डल जाती है ना, कभी कोई फैमिली में होता कोई ऐसा आदमी। पापा डब्बू यू टेकिंग ऑल द क्रेडिट, सारी गुड क्वालिटीज इन यू ओनली। शाम की महफिल का इंतजार करने वाला कपूर? सारे कपूर। सारे कपूर। सारे कपूर। ओह शाम हो गई भाई। But really it is a fact, all the Kapoor men 7 बज गया 7:30 मत आना हमारे आजू बाजू पे। ये हमारा टाइम बिल्कुल होना भी चाहिए। पूरी दुनिया को एंटरटेन किया इतनी जनरेशन ने, शाम का वक्त तो अपना होना ही चाहिए। सूर्य अस्त हो गया, गगन मस्त हो गया। गगन मस्त हो गया। आर के स्टूडियोज की होली के बारे में हम सब हमेशा पेपरों में पढ़ते थे या खबरों में आता था, तो बहुत सारे सवाल हैं। तो होली पार्टी जब होती थी, जब आते थे सब स्टार्स, सब कौन गाने बजाने का ज़्यादा शौकीन कौन होता था कि यार गाने बजाओ डांस करना है? राज कपूर साहब खुद। अच्छा। शमी अंकल खुद, शशि अंकल खुद, सितारा देवी जी आती थी। वाह। मुझे हमेशा याद है ढोल सितारा जी, गोपी कृष्ण साहब। वाह। और बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का एटमोसफियर रहता था। फिर जब से ये रंग आ गया, ये जमाने बदल गए, शक्लें बदल गई लोगों की, वाकई कोई पहचाने नहीं जाते थे। तो ऐसे दिन आए कि लोग छेड़ने लगे एक दूसरे को, जो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। अच्छा। और लड़कियों ने आना बंद कर दिया क्योंकि उनके बाल खराब हो जाते थे, नाखून खराब हो जाते थे, फिर से हमें ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। तो ये नई पीढ़ी के जितने थे लड़कियाँ, उन्होंने आना बंद कर दिया। अच्छा। अब ये जब लड़कियों ने आना बंद कर दिया तो ऋषि और मुझे भी पसंद नहीं आता था, तो मजा नहीं आता था। जैसे हम अपने माँ बाप को मिस करते हैं, भाइयों को मिस करते हैं, हम होली भी बहुत मिस करते हैं आरके की। अच्छा होली पार्टी में किसको सबसे ज्यादा संभालना पड़ता था कि यार ये हो गए टाइट हो गए? सभी लोगों को संभालना पड़ता था। पहले मैं उनको संभालता था, बाद में बाकी लोग और आते थे मुझे संभालने के लिए। वाओ, कितने मजेदार किस्से हैं। करिश्मा आप सोशल मीडिया पे भी हैं, आपको पता है रणधीर सर पहले तो सोशल मीडिया होता नहीं था, आपके फैंस आपको चिट्ठियाँ लिखते थे या मिलने आते थे, अभी आजकल इंस्टाग्राम है, फोटोग्राफ आप डाल देते हो, कमेंट्स पढ़ने का टाइम होता नहीं है, तो हम कुछ फनी कमेंट्स, बड़े क्रिएटिव कमेंट्स होते हैं लोगों के, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोग हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव है। ये आपके इंस्टा के कुछ फोटोग्राफ्स हमने निकाले। करिश्मा ने लिखा है दैट्स हाउ सैटरडे गोज, डूइंग समथिंग आई रियली लव, आई वॉशिंग एंड ड्राइंग ऑल द वेजीज। नीचे किसने लिखा है मैडम आप जैसी हीरोइन सब्जियां धो रही हैं इसीलिए इन्होंने अपने भाव बढ़ा रखे हैं, सब्जियां महंगी हो रही है। एक और मेरे जैसे ने किसी ने लिखा क्या हीरोइन भी धनिया फ्री में लेती है। आपको पता है करिश्मा ऐसे होता है नॉर्मली जब आप सब्जी, मतलब आप तो कभी गई नहीं होंगी, पर नॉर्मली खरीदने जाती है। रेडी पे खरीदी आपने सब्जी कभी? हाँ, मतलब जहाँ भी कोई भी दुकान पे तो मैं तो करती हूँ। वो तो लेडीज लोग धनिया के पैसे नहीं देती कभी। वो फ्री में, धनिया फ्री में होता है। धनिया बेचारा सारी उम्र फ्री में बिका है। और भी हैं। गवर्नमेंट अब आपका टैक्स वापस कर देगी, उन्हें भी पता चल गया है कि आप आलू टमाटर ही खाती हो। तो उनको क्या लगता है, मतलब हीरोइन ने तो क्या खाती होंगी, कुछ स्पेशल कुछ और ही, आलू टमाटर खाएंगे। आप टमाटर खाकर लाल हो रही हो, हम नीले पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? नेक्स्ट और क्या बात है मैडम, हेयर स्टाइलिस्ट भी करीना कपूर रखी है। नेक्स्ट मैडम मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, अच्छा ऐसे भी नीचे आते हैं, गंजेपन को दूर करें आसानी से, जब कहीं नहीं हो काम तो यहां से ले समाधान, आपकी हर समस्या का समाधान स्पेशलिस्ट, बालों का झड़ना किया कराया प्रेम विवाह, लानत है सारे धंधे लिखते हैं। विदेश यात्रा, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, तुरंत संपर्क करें। अच्छा ये भी होते हैं पता है, नीचे अपनी दुकान चलाते हैं वो। उनको पता है यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे आएंगे तो पढ़ेंगे लोग। आगे भी दिखाइए। ज्यादा गर्म हवा मत फेंकना, कपूर जल्दी आग पकड़ लेता है। कपूर क्रिएटिविटी देखो आप। नेक्स्ट मनीष मल्ला, लगता है आज लेडी संगीत है। ये महान पुरुष कौन है जो हमेशा महिलाओं के पीछे रहते हैं? किसी ने नीचे रिप्लाई भी किया, ये लेडीज टेलर है मनीष मल्होत्रा। ओहो मनीष मल्होत्रा सुनेंगे तो बेचारे, तुम्हें टेलर बना दिया बेटा। ये इतनी महंगी सिलाई लेता है कि जेब फट जाए। नेक्स्ट एक सेल्फी में चार हीरोइन, इतनी तो फिल्मों में नहीं होती। मनीष पे आ गए दो चार पंच। नेक्स्ट मनीष इज सच अ स्वीट गाय, नॉट अ कंप्यूटर जनरेटेड, नो वीएफएक्स। ये रियल है। आपको डर नहीं लगा? बहुत, मैं कांप रही थी। क्यों गए फिर आप? शिकारी फिल्म का ये शॉट है, जेन्युइन शॉट है ये। पर क्यों गई, आपको इतना डर लग रहा था तो? शॉट था। अच्छा फिल्म का शॉट था। ओके ओके। उस जमाने में ये भी होता था। हाँ अब बट व्हाट अ रिस्क इट टुक। आपका भी एक था ना शूट रचना जी किसी फिल्म में, चीते के साथ, चीता भाग गया था। भाग के यहाँ पर आ गया, देख। नीचे कमेंट देखो, चीता गाड़ी की चाबी देख रहा है, सोच रहा है मैं नंगे पांव भागता रहता हूँ, इससे अच्छा गाड़ी चला लूं। गाड़ी चला लो। चलो नहीं भाई, चीता डीजल चेक करने आया है क्योंकि चीता भी पीता है। मैडम चीता आपकी आंखें देखने आया है, सोच रहा है उससे ज्यादा खूबसूरत कौन है। यू आर लकी, आपको चीता दिख भी गया, हमको तो जंगल में सिर्फ बंदर और सुअर दिखाई। ओह, ये अपने भाई को ढूंढ रहा है, वेयर इज टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। वाओ। आपको पता है सैफ साहब भी पीछे आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने एक बात कही थी, मैं आपको सारे पोल खोलूंगा आज। जब हमने शादी की थी, हमने भी वो डिसाइड किया था कि सिर्फ एकदम क्लोज फैमिली को बुलाएंगे, लेकिन जो कपूर फैमिली जो है उनमें कम से कम 200 हैं। बढ़ गया। उनको क्लोज भी आए तो 200 हो जाएंगे। सर ये अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी कि जब आपको कपूर फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली, सब स्टार्स हैं, जब आपको गेट टुगेदर करनी होती है, घर में पूरे आ जाते हैं कि बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ता है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जी, जब करीना ने मुझे बोला कि मैं शादी करना चाहती हूँ, अच्छा बोला हो जाए, एक जश्न करते हैं, अच्छा शीर्षक नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ सिर्फ 100 लोगों के अंदर, अच्छा तो मैंने उसको बोला कपूर खुद 350 है। बम्बई में जो पत्थर उठाओ उसमें से कपूर होगा, एक्टर बनना चाहता होगा। एक्चुअली 100 जन की पार्टी कैसे कर सकते हैं? बोला अगर आपको और बुलाने हैं तो आप अपनी शादी पे कर लेना। तो मैंने बोला कैसे, ये तो होता नहीं है। तो बोला नहीं आजकल होता है, आजकल तो कोविड में। और रणधीर सर मैं आपको किस्सा सुनाऊं, एक गरीब की शादी थी बेचारे की, ऊपर से लग गया पेंडेमिक। तो वो जब बयाने गया ना लड़की को, तो जिस गाँव में गया वहाँ पहले 14 दिन क्वारंटीन रहा वो, फिर फेरे करके विदाई लेके गया, फिर अपने गांव में जाके 14 दिन क्वारंटीन रहा। सोचो एक आदमी को आपने स्वागरात से 1 महीना तक रोके रखा। क्या बात है, आज कपूर फैमिली से गेस्ट आए। हेलो रणधीर सर, हाय करिश्मा मैम। कपूर कितना ग्लैमर देखोगे, कैसे मिलवाओ तो सही। कुछ बात बता बुरी, बैठ जा आराम से बात करते हैं। क्या बात, सामने करिश्मा कपूर बैठी हो तो कैसे ऐसी बात बोल सकती है, कैसे आती दिमाग में ये क्रिएटिव चीजें। यहाँ पे तो कोई बैठा ना हो मैं तब नहीं तुझे देखता, आज करिश्मा कपूर बैठी है तो फिर मतलब। पहले तो जाओ दिनेश का कोट वापस करके आओ, बैंड वालों का कोट मांग के आ गई है। ये बैंड वालों का नहीं, ये ब्रांड्स वालों के कपड़े हैं। ओके करिश्मा मैम आप बताइए क्या कमी है मुझ में? You're looking fab, you're fab। बोलिए देख लो। ये हमेशा ये बात ना ऑन कैमरा पूछती है कि क्या कमी है, कभी ऑफ कैमरा पूछ के देख। मैं तेरे को बताऊं फिर, आज तो अर्चना जी भी कह रही थी आज वो भी बुरी भी है। मैं कहा हाँ, इसके मैं अलग से पैसे लूंगी क्या? कितनी अच्छी बात है, मेरी वजह से किसी के 4 पैसे बन रहे हैं। उनके पहले 8 पैसे बनते थे, तुम्हारी वजह से 4 बन रहे हैं। इतने दिन कहाँ थी तुम बुरी? चिल पैलेस होटल है मेरा, तो मैं इसके और ब्रांचेस खोलना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं बड़े बड़े होटल्स में जाके रह रही थी, यू नो, टू डू सम R&D, ताकि उनके सर्विसेज के बारे में सीख सकूँ, यू नो। और आप कभी इनके होटल विजिट करिए, नाम है चिल पैलेस। अंदर जो आपको साबुन मिलेगा वो मिलेगा एम्बी वैली, ग्लास के नीचे लिखा होगा शेट्टी बार एंड रेस्टोरेंट। मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन तो किसी होटल में रहने की उनका नल उखाड़ के लिया, उन्होंने पकड़ लिया, कहती ये तो सोविनियर है। कोई ढंग की बात भी कर लिया अगर बुरी, गेस्ट हमारे क्या सोचेंगे। सर आपकी फिल्म कल आज और कल मेरे पापा की फेवरेट फिल्म है। फेवरेट तो होनी थी सर, क्योंकि जब भी इनके पिता से कर्जा मांगने वाले आते थे कभी बोलते थे कल दूंगा, कभी बोलते आज देता हूँ, फेवरेट तो थी। करिश्मा मैम आप प्लीज इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। वो क्या है ना, कप्पू का ना सोनी के साथ अग्रीमेंट है कि हर मिनट हंसाना है, तो बस उसी चक्कर में बेचारा कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी करता रहता है। पूरा एग्रीमेंट सही जा रहा है, ये जो पाती है ना 5 मिनट बस ये खराब जाते हैं मेरे। देखो अगर ये खराब जाते ना 5 मिनट तो हमें इतना बड़ा सेट नहीं मिलता है ना। वैसे बड़े से याद आया मैम, हमारे होटल में काफी बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको भी आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े। उस दिन राजपाल यादव आए, उनको छोटा पड़ गया कमरा। सीरियसली, राज कमरे में सो रहा था, पाल बाथरूम में लेटा हुआ था और यादव तो अंदर ही नहीं घुस पाया। खबरदार मेरे होटल के बारे में अनाप शनाप बोला तो। रणधीर सर नॉर्मली जब आप होटल में कॉल करते हैं तो वो आपसे यही पूछते हैं ना, रिसेप्शन पे आप कॉल करो तो हाउ मे आई हेल्प यू। इनके होटल में कोई फोन करे ना बोलती हाउ विल यू हेल्प अस। हमारी हेल्प करें, हम उनकी हेल्प करें, हेल्प में काम हो जाता है। अब उनका ख्याल रखना तो हमारा काम है ही। अब देखो उनके हेल्थ का कितने अच्छे से हमने ध्यान रखा था पैंडेमिक में, बहुत बहुत ध्यान रखा था। उस दिन एक कस्टमर आया ना जिन्होंने कमरा लिया, उसमें यहाँ नाक में चींटियां घुस रही थी, उसने कंप्लेंट की, कहती सर वो आरटीपीसीआर टेस्ट कर रही है, प्लीज कोऑपरेट। ये सब करते ही रणधीर सर आप प्लीज इसको इग्नोर कीजिए, आप मेरे होटल आइए, मेरे होटल को 4 चांद लग जाएंगे। 4 बल्ब लगा, पहले अंधेरे में आपस में टकरा रहे कस्टमर। उस दिन एक बंदा आया, कहता मेन्यू में क्या है, कहती मेरा तो पेट खराब, मैंने खिचड़ी बनाई आपके लिए भी गर्म कर दूं। ये होटल का मेन्यू होता है। तुम्हें बड़ा पता है मेरे होटल के बारे में। सर आप फुल फैमिली आओ, मेरे पास आपके लिए फुल स्पेशल गोल्ड पैकेज है। कभी मत जाना रणधीर सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत जाना, आपका भी गोल्ड उतरवा लेगी ये। उस दिन बप्पी लहरी आए इनके होटल में ठहरने, हाँ बेचारे सोए, उनके सारे गहने उतार लिए, सुबह ऐसे गए वो कि मेरे गहने कहाँ गए। उन्हें हमारे यहाँ का सर्विस इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आप से सारा गोल्ड हमें गिफ्ट कर दिया। कपूर दैट्स अ सर्विस। करिश्मा मैम हमारे होटल में देयर इज अ सोना बाथ फैसिलिटी। सोना बाथ कोई नहीं है, इसने अपने चाचा को हुक्का देके बिठा रखा है। वो धुआं धुआं करता रहता है, लोगों को लगता है वो बगल में बैठा रहता है। वो किसी का हुक्का पानी चल रहा है, चलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ देखिए करिश्मा मैम, आप में और मुझ में ना एक सिमिलैरिटी है, ठीक है? जैसे आप कपूर फैमिली से पहली लड़की थी जो इंडस्ट्री में आई, वैसे बिल्कुल मैं इस शो में पहली ओरिजिनल लड़की हूँ। वो भी क्या लड़की हुई जिसको बताना ही पड़ जाए कि मैं ओरिजिनल हूँ। बस इतने से टैलेंट से लोग लाखों कमा रहे हैं, देख लो आप। करिश्मा मैम आप प्लीज मुझे एक टिप दो ताकि मेरी लाइफ में भी एक हीरो नंबर 1 आ जाए। ओहो, मैं भी वेट कर रही हूँ उसके लिए, तो मैं कैसे टिप दूँ आपको? आप मुझे टिप दो। देख लो बात से यही हूँ मैं कि आपको टिप दूँ। यहीं पे बोलती हीरो नंबर 1 बोल के मेरे को कोई टिप दो। बाहर जाके आर्टिस्ट लोग सीधा बोलती है आपको शो अच्छा लगा तो कुछ भी जो आपको ठीक लगे उस पॉकेट में डाल दो। मैं टिप मांगू या हक मांगू या किस मांगू, तुम्हारा क्या? मेरी लाइफ में मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। सर मैम ये तो हमें कुछ बात करने देगा नहीं, तो आप जब मेरे होटल में आके चेकिंग करेंगे तब हम आराम से फुर्सत में बैठ के बात करेंगे। आई विल गो लुक आफ्टर माय होटल नाउ। बाय। हाय 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 रणधीर सर, हाय निशा। ठंड लग रही थी, कुछ पहन के आता क्यों आपने? आपने राहुल नाम तो सुना होगा। ये क्या कर रहा है? मेरी बड़ी तमन्ना थी कभी शाहरुख खान को बनियान में देखूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी शाहरुख खान बनने की? कोई भी इंसान माँ के पेट से शाहरुख पैदा नहीं होता, उसे शाहरुख बनाती हैं खूबसूरत लड़कियाँ। इतना खराब शाहरुख? हाँ। बुरा मैं नहीं, बुरा वो है। कौन? जो एक को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से प्यार कराता है, क्यों निशा? है ना? बुरा मैं नहीं, बुरा वो है, वो है, वो है। सर जी क्या हम लोगों का टीवी में इतने बजट रहता तो ये हमारा लो बजट का शाहरुख खान है। अब बस एंजॉय करें। अगर बजट की बात करोगे ना तो इस बजट में मैंने कच्चे में आना था। पहले तो ये उतार लो यार। मैं माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ अर्चना जी, तब ये बीच में टांग अड़ानी शुरू कर देता है। हाँ। रणधीर सर, करिश्मा जी, जब मुझे पता चला आप आ रही तो मेरे अंदर का शाहरुख निकलने लगा, उसके लिए सॉरी। प्लीज मुझे यार बात करनी है। हेलो रणधीर सर, बैठो बैठो आराम से। हेलो कृष्णा मैम। हेलो करीना जी। करीना कहाँ आई है? नहीं आई है तो नमस्ते भी ना करूँ मैं। सिद्धू जी इधर होते नहीं है सारे एपिसोड में, सिद्धू जी वो, सिद्धू जी ये, बिल्कुल सही बोला। चश्मा तो उतार ले फिर, दे मेरा ही मांगा इसने पीछे से। यार मैं आया हूँ, कम से कम मेरी इंट्रोडक्शन करवाओ। सर ये चंदू है, चल जा। ये इंट्रोडक्शन दी कि मेरा ओटीपी नंबर बताया, ये चंदू है। 3 वर्ड्स में खत्म। सर मैं बताता हूँ अपने बारे में। माई सर्विस चंदू। हाँ। ये 10 स्टार स्पेशल जर्नल स्टोर मेरा ही है जी। अच्छा। और अर्चना जी, हाँ जी, आज तक लोगों ने कुदरत का करिश्मा देखा होगा, आज मैंने रणधीर का करिश्मा देख लिया है। रणधीर सर और करिश्मा मैम के लिए जोरदार तालियां। वाह क्या तुमने वर्ड प्ले बड़ा मजेदार किया है। रणधीर जी का करिश्मा देख लिया ना, चलो निकलो प्लीज। ऐसे कैसे निकलो, मेरे को बात करने दो। रणधीर सर आपको पता है कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सोफा खाली, इधर बैठ। जब मैं इधर बैठ जाता ना फिर तुम्हें बोलो तेरी औकात है इधर बैठने की। आपने वो फिल्म बनाई थी, वो प्रोड्यूस की थी फिल्म, राम तेरी गंगा मैली। सर मैंने 10 बार देखी है जी वो। हाँ, और जिस वर्ड जहाँ पे मैल आ जाता ना, ये तो मैली चीजें इसको पसंद पड़ी हैं। जैसे मान लो कपड़ा मैला आपसे ले लेगा, ये 5 रुपए लेगा धो के दे देगा। वो तो मेरे स्ट्रगल के दिन थे। अच्छा। अभी कौन से दिन चल रहे हैं? तो मैंने कपड़े धोने कौन से बंद किए हैं? That is my passion. और मैं तुम्हें बता दूं कपूर शर्मा हमारी फैमिली और कपूर साहब की फैमिली में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। सर जैसे आपके निकनेम नहीं है डब्बू, चिंटू, चिंपू, हमारे भी इधर निकनेम ऐसे ही हैं। मेरा नाम चंदू है जी। उसके भाइयों के नाम भी बड़े मजेदार है सर, गुटखा, एक का लोटा है, एक और भी है कोई केतली, ऐसे कुछ नाम है। तो जैसे जैसे उनके मुंह थे वैसे वैसे उनके नाम रख दिए। मैं थोड़ा चांद जैसा दिखता था इसलिए मेरा नाम चंदू रख दिया। तू तो उस दिन कह रहा था सिमिलरिटी बड़ी है, घर आसपास रहते, क्या बता रहा था उस दिन? पालील में ना है सर आपका घर, मेरा घर भी सर उधर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तू तो विरार में रहता है, वॉकिंग डिस्टेंस कैसे? गाड़ी नहीं है मेरे पास, मैं वॉकिंग करके जाता हूँ ना। सर जैसे मेरी संडे को मीटिंग होती है तो मैं मंगलवार को निकल जाता हूँ। तो लोकल ट्रेन भी तो चलती है, उसमें बैठ जाएगा। लोकल चीज़ों में मैं आई डोंट बिलीव, कोई इम्पोर्टेड चीज़ हो तो बताओ। और बता, और क्या सिमिलरिटी है तेरे में और कपूर फैमिली? यार बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी। मुझे एक बार बताओ कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? मुझे क्या पता? तो पता करो, उसके सारी पीएचडी मुझ पे करनी है कि मेरा मुंह कैसा दिखता है, मेरे चाचा का मुंह कैसे दिखता है, मेरे पापा का मुंह कैसा दिखता है। ये है मेरा बचपन का दोस्त करिश्मा, लेकिन मैं इसकी हरकतें बताऊं ना मेरे को बड़ी शर्म आती है। उस दिन अखबार में बर्गर की ऐड आई है, उसको गोल काट के सॉस लगा खा गया। ये अच्छी लगती है चीजें। उसको चाय के साथ मैंने ट्राई किया था, मेरा बर्गर फट गया था। कोई ढंग की बात कर ले, क्या सोचेंगे मेहमान? करिश्मा मैंने आपकी पिक्चर देखी थी फिजा, बड़ी अच्छी पिक्चर थी, लेकिन स्पेशली जहाँ आपने ऋतिक रोशन साहब को गोली मारी ना, मेरे को बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्यों? मैंने कहा मेरा कंपटीशन खत्म हुआ। कॉन्फिडेंस के लिए तो तालियां बनती हैं। क्या बात है। ऐसी हरकतें करता रहता है अर्चना जी, इसीलिए इसकी दुकान नहीं चलती। हाँ। वो तो मेरी दुकान का वास्तु थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है सर, इसलिए नहीं मेरी दुकान चलती। इसने पंडित को बुलाया, उसने कहा कि तेरा वास्तु खराब है, तू अपनी जो चेयर है ना वो साउथ में रख। ये पैदल जाके बेंगलोर रखा है अपनी कुर्सी। हल्दी तेरी सफेद पड़ गई है, चावल इसके पीले पड़ गए हैं। उस दिन मैंने तेरी गोभी चलती हुई देखी, इतने कीड़े पड़े गोभी चल के जा रही। और गुड़ देख लो, इसकी दुकान का ऊपर मक्खी बैठी हुई है। तो गुड़ पे मक्खी बैठेगी और डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी बैठेगा। तंग मत करो यार, अभी आधे घंटे में मेरी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग है। किसके साथ मीटिंग है? मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ। चल फिर कब है? अभी आधे घंटे में। तो 2 मिनट लगेंगे, स्पेलिंग हो जाए एग्जीक्यूटिव के। देख के नहीं बोलना। एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग कैंसिल हो गया, हिंदी के नाम वाला गुड्डू आ रहा है। स्पेलिंग सुनाऊं गुड्डू के या आगे बढ़ूं? हाँ। अर्चना जी आज चाहे मेरे को गुड्डू के साथ मीटिंग करनी पड़े, लेकिन मेरे इसको हर सवाल का जवाब देना है। वेरी गुड सर। मैम अभी बस थोड़े दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, आपने सह परिवार आना है शादी पे। क्यों? क्यों क्या, कम से कम 200 लोग तो होंगे फैमिली में, सभी 1-1 लाख रुपए शगुन भी डाले तो 2 करोड़ रुपए बनता है। मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। चल 2 करोड़ में 0 कितने होते हैं ये बता दे। चल सर आप सभी 10-10 रुपए डालना। 2000 रुपए बनेंगे, 2000 में कितने जीरो होते ये मुझे पता है। मैं चाहे गरीब हो जाऊं, करोड़ों का मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैंने इसे आज हर सवाल का जवाब देना है। शादी के लिए लड़की भी चाहिए होती है, तो इतने सारे लड़के बैठे हैं, तुम्हें दोस्त किस लिए रखा है? कोई अच्छा सा लड़का देखो, उसको लड़की बनाओ, तुम्हारा भी दोस्त का काम है। आज चाहे मेरे को किसी लड़के के साथ शादी करनी पड़े, मैंने इसको हर सवाल का जवाब देना है। सर इसका तो 2 मिनट का काम है लड़के को लड़की बनाना। ये देखो अर्चना जी को ऐसे लेडीज बना के रखा हुआ है। हाँ सही है, सही है। इस बंदर को इंसान के कपड़े बनाकर इंसान भी तो रखा हुआ है इसने। अर्चना जी हाँ जी, 2-3 बार मैंने आपको केले यहाँ पकड़ा दिए तो आपने मेरे को बंदर कह दिया। जा रहा हूँ मैं सर, मैं राशन पैक करवा रहा हूँ, प्लीज आप लेकर जाइएगा, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक बार रणबीर जी और करिश्मा के लिए जोरदार तालियां। रणधीर सर, करिश्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। इतना मजा आया, इतने किस्से आपने मजेदार सुनाए। अभी दिल चाह रहा था कि आपसे और बातें करें, पर फिलहाल के लिए आज वक्त इजाजत नहीं देता है। सो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर सर, थैंक यू। करिश्मा थैंक यू। दोस्तों लाफ्टर का डोज लेके हम आते रहेंगे, आप वैक्सीन का डोज लेके खुद को सुरक्षित रखिए, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।